कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त हम तुमसे कुछ नहीं कह सकते यास्मीन। कोशिश तो करें। नहीं अलादीन, एक बार नहीं नहीं नहीं, क्यों करें हम कोशिश? क्या लगती तुम, क्यों जानना चाहती हो तुम? हाँ, अगर हम तुम्हें सच बता भी दें तो क्या तुम हम पर यकीन करोगी? नहीं करोगी ना, आज तक किया यकीन? तुम जाओ ना उस कोयले की खान के पान के पास, उसके पास रहो ना। और वैसे भी ये सच अपनों का है, रिश्तों का है, तुम्हें रिश्तों के बारे में क्या पता है? तुम्हें तो भरोसा यकीन इन सब लफ्जों से चिढ़ होती है कि तुम इंसानों से दोस्ती नाता कुछ नहीं रखना चाहती, इसलिए तो उस परिंदों को लेकर घूमते रहती हो। अच्छा, वो तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं है, अगर होते तो मुझे शर्मिंदा। यास्मीन, यास्मीन नाम है मेरा, और ये नाम दोबारा तुम्हारी जुबान पर नहीं आएगा। तुम हमें नहीं रोकती हंसनी तो ये सब कुछ नहीं होता। शुक्र मनाइए उन्होंने आपको रोक लिया, या यूं कहें कि उन्होंने आपको बचा लिया, क्योंकि अगर आपने जफर को मार दिया होता तो आपकी अम्मी की याददाश्त लाने का इकलौता जरिया हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता। निकल गए तो फिर हम क्या करें? वही जो जफर चाहता है। क्या? उसे काला चिराग ला कर दीजिए। काला चिराग? हाँ, हर दुनिया की सबसे बड़ी काली ताकत जो जिस दिन इस दुनिया में आ गया, उस दिन के बाद इस दुनिया में कोई सच नहीं बोलेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। दोस्ती, जज्बा, ये सब खत्म हो जाएंगे। और वो चाहता है कि वो काला चिराग हम उसके लिए लेकर आए। हम जी हाँ, उस सफर के लिए हम काला चिराग तो लाने से रहे, हाँ, लेकिन अपनी अम्मी को हम पाके रहेंगे। मैं जाने इस वक्त आका कैसे होंगी, इस हाल में होंगी। अलादीन बिल्कुल ठीक है जीनू, ये भी ना बताए आका के साथ साथ मेरा भी इनसे कोई रिश्ता है क्या? हम जानते हैं हम थोड़े सख्त हैं, पर अम्मी को अपने बच्चों के साथ कभी कभी सख्त होना पड़ता है, और तुम तो हमारे बच्चे जैसे ही हो ना, जैसे ही अलादीन आएगा ना, हम उससे कहकर तुम्हें इस चिराग से आजाद करवा देंगे। हाँ, दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी चिराग में रहना पसंद नहीं। मैं तुम्हारे कमरे में रख देते, जैसे ही अलादीन आएगा उसे उसका चिराग और उसका भाई दोनों मिल जाएंगे। पर इसमें एक मुश्किल है शहजादे। क्या मुश्किल? काले चिराग का लाना और आपकी अम्मी की याददाश्त को वापस लाना, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जफर मतलब ही है, अगर आपने उसे काला चिराग लाकर नहीं दिया तो वो आपकी अम्मी की याददाश्त कभी नहीं लौटाएगा। लेकिन वो जफर धोखेबाज भी तो है, धोखेबाज। हो सकता है कि हम उसके लिए काला चिराग ले भी हैं और फिर भी वो हमारी अम्मी की याददाश्त ना लौटाए तो? आप सही कह रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? हम कुछ ना कुछ तो करेंगे,
जरूर करेंगे। पर तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने आपको बताया था ना अपने नेक दिल आका के बारे में, बस उन्हीं की याद में कर रहा हूं। तुम्हारी ये नेक दिल आका है कहां? फिलहाल तो मुकद्दर के जाल में फंसे हुए हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे आका उलझनों को सुलझाने में बहुत माहिर है, बहुत जल्द लौट आएंगे। सही खेल गए। एक जिंदगी कई रिश्तों से बनती है, अल्लाह के करम से हमें हमारी अम्मी मिल गई, अब बाकी रिश्तों को तलाशना होगा। हमारा भाई, बहन, दोस्त और मोहब्बत। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। आप जैसे खूबसूरत नौजवान के साथ किसी ने तो मोहब्बत की होगी, और शायद आपने भी की होगी। अम्मी यहाँ है और सबका है, ये तो अम्मी की याददाश्त आने की बात ही पता चलेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी की याददाश्त वापस कैसे लाए। शहजादे, आप जो चाहे कीजिए, बस उन्हें साफ साफ सच कहने की गलती मत कीजिए, वरना आज हमें ख्याल रहेगा। अगर वो सफर तैयार है, हमारे पास भी जिन्नू है। अलादीन और हमारा कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है, तभी उसने हर बार अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया बिना कुछ सोचे समझे। हमने वो बचा लिया। हर साल से इसे कोई हिला नहीं पाया, ये तुम्हारे दया हाथ तक है। समझदारी और काबिलियत में अलादीन सबसे अलग है, इसलिए जफर से उसे बचाने के लिए अब मैं उसी की मदद लूंगी। मैं उसे जफर का सच बता दूंगी और फिर मुझे पूरा यकीन अलादीन उस अय्यार के साथ और मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा हम पर यह सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, तो तुमने हमें कैसे रोका? तो दी अपुन है, तू नहीं। फिर घपा घप मिर्ची क्यों खा रहे लिए बाप? कुछ वांदा हुआ ना? बता कौन खजूर लड़ा तेरे से? अपुन सबको धो डालेगी, तू बस नाम बोल। तुम्हें रिश्तों के बारे में क्या पता है? हाँ, तुम्हें तो भरोसा यकीन इन सब लोगों से चिढ़ होती है कि तुम इंसानों से दोस्ती नाता कुछ नहीं रखना चाहती। अच्छा, तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं है, अगर होते तो मुझे शर्मिंदा। चित्रपटर, तुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास दिल नहीं है, मैं यकीन भरोसा इन लफ्जों का मतलब नहीं समझती, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू मुझे छोड़ के चले गए। क्या घन चक्कर बातें करती है तू कभी कभी यास्मीन, मेरा बच्चा है तू,
भी तो तू इस मुल्क के अनजान मिडू लोग के वास्ते इतना कर रही है। गरीबों के वास्ते मस्त सल्तनत बनाना चाहती है। देख बिडू, खजूर लोग माफिक रोना नहीं मांगता। तू शहजादी है शहजादी, जा और दुश्मन को मस्त खर्चा पानी दे के आ। तू ठीक कह रही है। वो तो मैं हमेशा ही कहती है, पर बदला बदला सब सुबह। अभी चादर तान और सो जा। जिनू, जिनू कहाँ हो तुम? जिनू अपने चिराग में, जो हमने तुम्हारे कमरे में रख दिया, तुम हमारे साथ चलो। बस अब कोई सवाल मत करना। सुल्तान जफर की तेल मालिश। भाईजान, इतने मजे करने की भी जरूरत नहीं है। माना कि आपका चहीता अलादीन आतिशबाज बन गया है, लेकिन रुखसार अब भी जिंदा है और उसने अलादीन को आपसे महफूज रखने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तुम्हें काम करो, तालीम घर जाकर रुखसार बेगम पर नजर रखो और सुनो, तुम्हारा बहुत कड़क है आज। जहर, तुम्हारी बातें सुनकर है ना हमें अक्सर इस बात का यकीन हो जाता है कि अब्बा हुजूर ने तुम्हें जरूर पूरे दान से ढक लाया होगा। क्या दान कर सच्चा यार जफर, हमें यार जफर इस बात को अपने कुंद दिमाग में तुम बिठा लो है? और ये जो रुखसार बेगम जैसी मामूली औरत है ना, ये हमारे लिए कंकर है। और एक अय्यार के लिए इस किस्म का कंकर को उठाना बस एक ठोकर देना होता है बस। भाईजान, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोच लीजिए। वो अलादीन की अम्मी है, उनका रिश्ता है। एक बेटा खुदा की बात टाल सकता है, लेकिन माँ की बात नहीं टाल सकता। अरे मालूम है हमें इन सब बातों के बारे में, लेकिन हमने इसका तोड़ सोच लिया। और वो क्या है? जशन। और जशन की दो वजह होंगी। और हमारे ख्याल से पहली वजह होगी आपके उस चहीते अलादीन का आतिशबाज बन, और दूसरी रुखसार बेगम की मौत। जाना फिर से उस औरत को जान से मारने की कोशिश। अरे उसमें कहां कोई मजा आएगा। मजा तो कब आएगा, एक जमाने में उसी माँ पर जान छिड़कने वाला बेटा आज मौजूदा हालात और तारीख में उसी माँ की जान ले। आज का जश्न आप ही के जनाजे से निकलेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तंगदिल शहजादा, बात पर शहजादे ऐसे ही होते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल वाहियात होते हैं। पता नहीं सिराग को और उस गोल मटोल जिन को लेकर खुद को क्या समझता है। वैसे चीनू है कहाँ? अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ चिराग के अंदर। हाँ, वो तो समोसे खा के कहीं बड़ा होगा। खैर, उसी जमाने वो आएगा। तब तक मैं अलादीन को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसी जगह छुपाऊंगी ना इस चिराग को कि ढूंढता रह जाए। ढूंढता रह जाएगा? अरे चोरनी, मैं वो बला हूँ कि बड़े से बड़ा खंबा भी मुझे छुपा नहीं सकता।
एक बार बस आका को आ जाने दो, वो मुझे आजाद करेंगे, फिर हम दोनों मिलके तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि। लेकिन आका कहाँ है? किसने कहा था कि हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दो? हमारे दिल में बस बातें बनाना आता है, अपना ख्याल रखना नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमें कुछ होता तो खून बहता, तो दर्द आपको होता। जानती है क्यों? क्योंकि जब अपनों का खून बहता है तो दर्द होता ही। क्या हम आपका खून है, आपके बेटे हैं? जो अधूरा था वो अब पूरा होगा, तुम्हें हमारी अम्मी मिल गई, आप हमारी अम्मी हैं। गुब्बारे में ना हवा भरी होती है और तेरे छोटे से पेट में लगता है समोसे हैं। अम्मी क्या रही? अम्मी तोड़ मुझे। जब घर से जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, माँ की दुआएं जाती हैं उसके साथ, माँ का सुकून जाता है उसके साथ। आपका सुकून लौट आया है अम्मी। अम्मी क्या हुआ? अम्मी
आपकी अम्मी की याददाश्त जफर के जादू की वजह से गई है। अगर आपने उस याददाश्त को याद दिलाने की कोशिश की तो उनका सर हट जाएगा। अम्मी, 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 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.